तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने गन्ने बिजाई के वक्त कौन सा ग्रोथ प्रमोटर अपने गन्ने के खेत में इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा जो गन्ना है उसका जुमाव शुरू से ही बहुत अच्छा देखने को मिले। तो किसान साथियों, चलिए आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसान साथियों, मार्केट में कई तरह के ग्रोथ प्रमोटर उपलब्ध हैं जो कि अलग अलग स्टेज पे पौधे में इस्तेमाल होते हैं। तो किसान साथियों, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपको बिजाई के वक्त चाहे कोई भी फसल हो उसमें नीचे कौन से ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल शुरू से बहुत अच्छी उगे और आगे चल के बहुत स्वस्थ आपको खेत में दिखे। तो चलिए किसान साथियों, मेरा नाम है आकाश राणा और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल किसान विज्ञान। तो सबसे पहले, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नहीं है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम फ्यूचर पे कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आज हम बात गन्ने की बिजाई में कौन सा ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करें, आज हम इसकी बात करें। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले आप अपने जो गन्ने की बिजाई के वक्त जो भी इस्तेमाल करें वो आप अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको चुने, क्योंकि किसान साथियों, जो गन्ने की जो फसल है एक साल तक आपके खेत में रहने वाली है, क्योंकि उसको पूरा साल खेत में से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खेत में मौजूद है, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट से उसको ताकत मिलने वाली है। तो किसान साथियों, आप इसका विशेष कर ध्यान रखें कि आप गन्ना बिजाई के वक्त अपने जो भी ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप खेत में डाल रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से चयन करें, क्योंकि ये पूरा साल आपके खेत में आपके पौधे को न्यूट्रिशन देने वाले हैं। जी हाँ किसान साथियों, आप इसको विशेष कर बहुत अच्छे से चयन करें। तो किसान साथियों, अब हम मार्केट में कई तरह के उपलब्ध जो ग्रोथ प्रमोटर उनकी बात करें, तो जैसे कि इफ्को कंपनी की सागरिका है, उसमें कई तरह के तत्व पाए जाते हैं और माइकोराइजा भी है, और किसान साथियों, जो हमारे ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड और भी कई तरह के जो तत्व हमारे को खेत में जरूरत है वो सारे अलग अलग आपको भी मिल सकते हैं। ये जितने भी तत्व हैं आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे, तो आपको एक तो सबसे पहले जो ये प्रोडक्ट है आपको सस्ता पड़ेगा, अलग अलग जो प्रोडक्ट ये लोगे तो आपको एक थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाले हैं। तो आप यही करें कि आप जो भी प्रोडक्ट चुने उसमें ये सारे तत्व मौजूद हों, क्योंकि किसान साथियों, हमारा पौधा है उसको बढ़ने के लिए पूरे 18 तत्वों की जरूरत पड़ती है। जी हाँ किसान साथियों, 18 तत्व अपने खेत में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान साथियों, कुछ तत्व जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, सल्फर अधिक चाहिए होते हैं, इसीलिए हमें जो अपने खेत में जो डीएपी है, फास्फोरस है, पोटासियम और जो नाइट्रोजन है, हम अलग से और कुछ ज्यादा मात्रा में अपने खेत को देते हैं, जिससे कि जो पौधे की जो पूर्ति है इससे पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए वो जरूर, पौधे को जरूरत तो है लेकिन वो थोड़े कम मात्रा में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो किसान साथियों, आप फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन और सल्फर और जिंक, जी हाँ किसान साथियों, तो आप अलग से भी बाद में भी डाल सकते हो अपने खेत में, लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे जो खेत में और भी अलग तरह के जो न्यूट्रिशन है हम वो नहीं घेर पाते, जैसे कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम भी अन्य तरह के जो न्यूट्रिशन है खेत को बहुत जरूरत है। तो किसान साथियों, आप बिजाई के वक्त, गन्ने की बिजाई के वक्त ऐसे प्रोडक्ट का चयन करें जिसमें आपको जो ये तत्व हैं ये मौजूद हो, तो आपका जो गन्ने का जमाव है वो आपको शुरू से ही बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो ग्रोथ प्रमोटर है कई प्रकार के उपलब्ध होते हैं। तो जैसे किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड है, फ्लूविक एसिड है, ये किसान साथियों जो पौधा है उसकी जड़ों पे काम करते हैं, क्योंकि जो पौधे की जो जड़ है वो छोटी रह जाएंगी तो किसान साथियों, आपके खेत में जो भी न्यूट्रिशन है पौधा ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिससे कि जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो बहुत कम रह जाती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत और बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी आपके खेत में न्यूट्रिशन पड़े हैं पौधा अच्छे से उसका ग्रहण करके उसको भोजन अपने पौधे को दे सके। तो किसान साथियों, इसका आप विशेष कर ध्यान रखें, आप अपने खेत में ह्यूमिक बेस जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड, कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मिक्सर इनका मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जैसे इफ्को कंपनी का ह्यूमिटसु के नाम से एक प्रोडक्ट है के अंदर आपको सारे न्यूट्रिशन ये आपको मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, वो आपको न्यूट्रिशन भी देगा और जो उसकी पौधे की जड़ें हैं उस पे भी काम करता है, जिससे कि जो आपके पौधे की जड़ें हैं वो बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि जो पौधा न्यूट्रिशन है अच्छे से ग्रहण कर पाता है
और आपकी जो पौधे की जो ग्रोथ है, जो आपके पौधे की फुटाव है, बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी किसान साथियों मार्केट में कई प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के होते हैं, उसमें फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फेट, सल्फर, जिंक, कॉपर और भी कई तरह के तत्व उसमें मौजूद होते हैं। तो इसी तरह कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है। किसान साथियों एक और ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो माइकोराइजा बहुत ज्यादा गन्ने में बिजाई के वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे जाने वाला प्रोडक्ट है। तो किसान साथियों जो माइकोराइजा है उसमें भी एक माइकोराइजन नाम के बैक्टीरिया उसके अंदर उपलब्ध है, जो कि पौधे की जड़ पे काम करता है। तो किसान साथियों उसको भी आप डाल सकते हैं। किसान साथियों आप अपने बजट और अपने हिसाब से इनको चयन कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अपने खेत में जो भी ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करें वो अच्छे से चयन करके इस्तेमाल करें। तो चलिए किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही। जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें, और किसान साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।